जनपद हरिद्वार में सर्वानंद घाट के पास एक खोखे में नॉनवेज पकाए जाने की घटना सामने आई है। बता दें कि नॉनवेज पकाने की घटना सामने आने के बाद स्थानीय युवाओं ने पहुंचकर हंगामा किया और खोखा चलाने वाले व्यक्ति के साथ उसके समर्थन में आए एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की। जानकारी के अनुसार इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवा दो लोगों को डंडों और लात घूसों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और नॉनवेज पका रहे व्यक्ति का चालान किया। हालांकि मारपीट करने वाले युवकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें, हरिद्वार का शहरी क्षेत्र मांस मदिरा प्रतिबंधित क्षेत्र है। शराब और नॉनवेज का सेवन करना गैर कानूनी है। इसके बावजूद भी प्रतिबंधित क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आई है। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। कि सर्वानंद घाट के पास एक ढाबे में नॉनवेज पकाने का काम, बनाने का काम और ये लगातार सर्व करने का काम भी करते हैं, इसकी सूचना हमें पता लगी। मैं चूंकि स्वयं दूर था और भी कुछ, लेकिन उसके बाद हमने कुछ लोगों को वहां भेजा। वहां के स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि विधि शर्मा भी वहां पहुंचे और जब वहां जाकर देखा तो जिस प्रकार से वहां पर नॉनवेज पकाया जा रहा था, खिलाया जा रहा था, और जब जाकर उस ढाबा संचालक को रोकने का, टोकने का प्रयास किया तो उन्होंने लगातार धमकी देकर बदतमीजी करने का उन लड़कों से प्रयास किया। उसके बाद वह छुटपुट घटनाक्रम भी हुआ। मैं हरिद्वार के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ, सभी लोगों से, ये कैसे लोग हैं जो हरिद्वार की, हमारी आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, गंगा की पवित्रता पर दाग लगा रहे हैं, आपको हमें सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ हमें सबको कार्रवाई मिलकर नहीं करनी चाहिए? क्या ये जिम्मेदारी श्री गंगा सभा की है या ये जिम्मेदारी किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की है या पुलिस की है या नगर निगम की? हम सब लोग हरिद्वार के निवासी हैं। जब ये संदेश दूर अन्यत्र कहीं और जाता है तो हम सबकी छवि खराब होती है।